नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। उज्जैन पहुंचे राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी। मीडिया से बातचीत करते हुए कालवी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 23 सितंबर को देशव्यापी आरक्षण तथा अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर समीक्षा की जाएगी। अयोध्या में मंदिर मस्जिद के झगड़े से दूर राजमहल निर्माण कराने तथा आरक्षण मामले में देशव्यापी समर्थन जुटाया जाएगा। इस गैर राजनैतिक आयोजन में आरएसएस के दो दिग्गज नेता भी हिस्सा लेंगे। दरअसल इंदौर पहुंचने से पूर्व कुछ देर उज्जैन में विश्राम करने के दौरान कालवी ने कहा कि आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, इसमें सुधार किया जा सकता है। कालवी ने कहा, चित्तौड़ में होने वाले सम्मेलन में आरक्षण की समीक्षा पर बोलने वाले आरएसएस के मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय हसबोले, एमडी वैद्य और राम माधव में से कोई दो संघ प्रमुख सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कालवी के मुताबिक करनी सेना से संबंधित या विचारधारा रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा तो करनी सेना उसका समर्थन जरूर करेगी। साधु संत तो ये कहते हैं, नेता तो नहीं कहते। नेता तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। वही बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो एक कंफ्यूजन सा रहता है। मैं सुनने में शायद कुछ गड़बड़ है। हमने सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लगाई है। श्री राजपूत करनी सेना सुप्रीम कोर्ट में गई है, 2.5 महीने हो गए, एक पेशी पड़ी है। हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, रिजेक्ट भी नहीं हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने थर्ड पार्टी बनने की कोशिश की थी, रिजेक्ट कर दी। नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। नहीं, अभी इस मामले में और नई पार्टी हम नहीं पैदा कर सकते। राजपूत करनी सेना ने कहा है कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम मंदिर वाले झगड़े में नहीं पड़ते, हम हिंदू मुसलमान वाले झगड़े में नहीं पड़ते, हम पार्टी वाले झगड़े में नहीं पड़ते। जो भी कोई विवाद है कोर्ट कचहरी के, हम उन सब विवादों से दूर एक भव्य राजमहल बनाने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट, होम मिनिस्टर, अगले 5-7-10 दिन में अगर कोई तस्वीर आए प्रधानमंत्री के साथ तो मान लीजिए उस भव्य राजमहल एक बनवाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के हाजिरी में भी उपस्थित हूँ। विचारधारा में समानता के स्तर पर होगा, हम हर उसका साथ देंगे, लेंगे, और वो अगर राजनीति करना चाहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारे कारण से राजनीति में कोई ढोल बजाना चाहे तो उसके हम साथ नहीं है। वैसे तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति हमेशा से ही व्यवस्थाओं को लेकर प्रयोग करती रही है, परंतु इस तरह के प्रयोग बड़ा ही कौतूहल उत्पन्न करते हैं। बाहरी रूप में इस तरह की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया गया है, परंतु ये एक प्रश्न है कि आखिर क्यों मंदिर प्रबंध समिति ने करीब 2 करोड़ की लागत से बने इस प्रशासनिक भवन को त्याग कर हॉस्पिटल में अपनी कार्यालयीन गतिविधियों को संचालित करना ठीक समझा। अब इस पूरी कहानी में मंदिर समिति के उच्च अधिकारी के बयान कुछ ऐसे हैं कि जो किसी भी सूरत में सही नहीं कहे जा सकते। मंदिर समिति के अध्यक्ष और जिलाधीश कहते हैं कि जो प्रशासनिक भवन मंदिर का है वह मंदिर के पास है, ये भवन भी हमने मंदिर में ले लिया है, इसमें एक ही कमरे में एक डॉक्टर बैठा करते हैं, बाकी इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। चूंकि ये भूतल पर है और काफ़ी फैला हुआ है, इसमें हमारे मीटिंग हाउस भी बनेंगे, इसमें अच्छा इंटीरियर करके इसे बहुत अच्छा कर लिया जाएगा। प्रयोगशाला बन चुके महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को भी वास्तु दोष लग चुका है। महाकाल मंदिर के पंडितों की माने तो ऐसा कोई वास्तु दोष संबंधी मामला है भी तो क्या वास्तु पूजन और कर्मकांड विधानों से दोष को दूर नहीं किया जा सकता? क्या करीब 2 करोड़ की लागत से बने प्रशासनिक कार्यालय के बाद अब मंदिर समिति इस हॉस्पिटल की साथ सज्जा पर करोड़ों खर्च करने पर आमादा है? इन प्रश्नों के जवाब शायद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारियों के पास हो या ना हो, शायद इन प्रश्नों को भी कोई दोष लग जाए।
देखिए जो प्रशासनिक भवन मंदिर का है वो भी मंदिर के पास है, ये भवन भी हम लोगों ने मंदिर में ले लिया है। इसमें एक ही कमरे में एक डॉक्टर बैठा करते हैं, बाकी इसका उपयोग बहुत नहीं होता है क्योंकि ये भूतल पे है और काफ़ी फैला हुआ है। इसमें हमारे मीटिंग हाउस ही बनेंगे, इसमें काउंटर्स ही बनाएंगे हम लोग, और इसमें एक अच्छा अंदर इंटीरियर करके, जर्जर नहीं है, अच्छा उसको बहुत अच्छा कर लेंगे हम लोग, इसको अच्छी कंडीशन में ला करके, और बहुत उपयोगी रहेगा ये। अभी जो प्रशासनिक भवन है थोड़ा दूर पड़ता है वो, और G+2 बना हुआ है वो, यहाँ पर फैले होने की वजह से जनता को ज़्यादा सुविधा होगी और प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा सुविधा। जब ये चीज़ भगवान स्वयं विराजे हैं, उनकी पताका का जो वर्णन है, जब वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, वो स्वयं पवित्र स्थान है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे स्थान पर कोई दोष या क्षय या पाप किसी को लगे ऐसा मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। निगम ने मक्सी रोड स्थित योगीपुरा में 53 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं। इनका भी ऑनलाइन गृह प्रवेश कार्यक्रम इसी दिन होगा। प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण होगा। गृह प्रवेश कार्यक्रम की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। समूह में बनाए गए मकानों के आसपास तोरण लगाए गए हैं। रंगोली से सड़कों को सजाया जा रहा है। नए मकानों पर रंग रोगन के साथ चित्रकारी भी की गई है। उज्जैन के योगीपुरा में 53 परिवार कभी 3 टप्पर के मकान में रहते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन परिवारों में उत्साह बढ़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर हितग्राही को 2.5 लाख रुपए मिले हैं। पक्की छतें, शौचालय और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। निगम ने सीमेंट कंक्रीट की सड़क भी बनवा दी है। ये सभी हितग्राही 23 जून को घरों में प्रवेश करेंगे। इस मौके पर शनिवार दोपहर से लोक नृत्य और लोक कला पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। पीएमएस आवास योजना के तहत उज्जैन हितग्राही सुगनबाई, श्रीराम, विक्रम, गणपत, लीलाबाई और नागेश हरजी से सीधे प्रसारण के जरिए सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अंतर्गत हर शहर में हर संभागीय मुख्यालय पे एक समारोह पूर्वक गृह प्रवेश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उज्जैन में सभी वार्डों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आवास बने हैं उसी प्रकार यहाँ पे इस जोगीपुरा बस्ती का सिलेक्शन किया गया है, जिसके अंदर 53 मकान जो भी नवनिर्मित हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आए दिन होने वाले जाम के निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए बजरंग दल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। हम आपको बता दें कि इन दिनों स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश व चार धाम यात्रा सीजन होने के कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और सैलानियों का रुख धर्मनगरी हरिद्वार की ओर होता है। ऐसे में पूरे शहर की हर सड़क पर घंटों तक लगने वाले जाम और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों से जहां आम स्थानीय निवासी त्रस्त है, वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को भी भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बैठक में पहुंचे यातायात CO वीरेंद्र डबराल ने बताया कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ होने पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए बजरंग दल ने पेशकश की है। वहीं बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक अनुज वालिया का भी कहना है कि देश के नियम कानूनों का पालन करना भी देशभक्ति है। उन्होंने बताया कि आगे भी उनकी ओर से ये कार्य किए जाएंगे। साथ ही अपने इस अभियान में और भी कई समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेंगे। हमारे जो स्वयंसेवी हैं का हमको सहयोग देने का इरादा है कि अपने जो जाम चल रहा है, आगामी कांवड़ मेला लगेगा, उसमें भीड़ बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, तो यातायात व्यवस्था बनाने में ये हमारा सहयोग देना चाह रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यातायात पुलिस की तरफ से इनको उपरीत कर देंगे कि जब सड़क पर आएंगे तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो ये अपने एंगल से देखते हैं, पुलिस के एंगल से नहीं देखते होंगे कि क्या क्या बात हो सकती है सड़क पर, तो उन चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह ड्यूटी करनी है, किस तरह सेवा करनी है, इसी बारे में हमने ये कार्यक्रम रखा है कि इनको ब्रीफ करेंगे कैसे काम करना है। भक्ति केवल सैनिकों की फोटो या झंडा लगाने से नहीं,
अपने देश के नियम कायदे को पालन करना और उसे मनवाने से भी है। तो हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि हरिद्वार में जो तीर्थ यात्री आते हैं और उन यात्रियों के सीजन में जो आने से जो भीड़ लगती है, जाम लगते हैं, उस भीड़ और जाम की हम समस्या ना बने। हमने एक नई पहल की है कि लोगों को जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी अगले मुहिम में हम इसे जोड़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। राजगढ़ जिले को बड़ी सौगात, मोहनपुरा डैम का लोकार्पण करने पधार रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। राजगढ़ जिले में प्रथम नगर आगमन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। निवेदक निर्मल गुप्ता लाला मोहन वाला। सौजन्य से निर्मल गुप्ता लाला मित्र मंडल मोहन छापी हेड़ा।